थक गए चले। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल। तुम दोनों का ये चक्कर कब से चल रहा है? चक्कर अब एक साल से। एक साल से तुम लोग बोर नहीं हुए एक साल में? बोर क्यों होंगे, ये मेरी वाइफ है। हाँ हाँ सब लोग यही बोल के आते हैं, ये मेरी भाई को है। देखा देखिए हम बहुत थक गए हैं, हमें आप अपना हनीमून स्वीट दे दीजिए प्लीज। नहीं है। नहीं है? नहीं है। इस कॉटेज में एक ही हनीमून स्वीट है जो ऑलरेडी बुक्ड है। नॉर्मल रूम है, मांगता तो बोलो। ये हनीमून स्वीट किसने बुक किया? वो जो वहाँ कपल बैठा हुआ है ना, वही लोग हैं। कपल ना, जब से हम निकले हमारे पीछे पड़ो, मैं इसको आज छोड़ूंगा। चल रहने दीजिए ना, हम किसी और कमरे में रह लेंगे, है ना, एक ही रात की तो बात है। खनक लेकिन हम शांत, जब हम दोनों साथ हैं तो क्या फर्क पड़ता है कमरा बड़ा हो या छोटा, और वैसे भी रात कैसे बीतेगी हमें पता भी नहीं चलेगा। और कल सुबह ही हम अपने कॉटेज के लिए निकल पड़ेंगे। कितनी समझदार छोकरी है, यू आर रियली लकी मैन। आई नो, एनीवेज एक काम करिए, जो भी कमरा है उसकी चाबी दे दीजिए। ये लीजिए। पता नहीं कैसा कमरा हो गया यार। चल के देखते हैं शांतनु, चल। वैसे ये बिस्तर काफी है हम दोनों के लिए। सुना है कि गोवा के बिस्तर बहुत सॉफ्ट होते हैं। और कमजोर भी। या टूट गया ना, अरे बेड का पूरा पैसा भरना पड़ेगा। हाँ हाँ तो ठीक है ना, पूरा पैसा भर दूंगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक काम करिए आप जाइए, मैं सुबह भरता हूँ। ठीक है अंकल, गुड नाइट। जाइए जाइए जाइए, सुबह भरता हूँ ना मैं। अंकल मीना, वैसे आप वो बिस्तर के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ तो मैं ये कह रहा था खनक कि मैंने सुना है कि गोवा के जो बिस्तर होते हैं उसमें जब एक लड़का लड़की बैठते हैं तब वो अपने आप अचानक से आवाजें करने लगता है, और लड़का जादू से लड़की के पास आ जाता है। जादू से? जादू से। ट्राई करके देखें। तो मैं क्या कहता हूँ खाना कि एक बार हम भी ये गोवा का मैजिक ट्राई कर लेते हैं। आखिर देखो तो सही कि गोवा के बेड्स में जादू क्या है। अच्छा खाना मुझे दो मिनट दो, मैं तोड़ में। ठीक है अब शांतनु, कल हम पक्का पावली कॉटेज पहुंच जाएंगे ना? अरे 100% पहुंच जाएंगे ना, कल कोई गड़बड़ नहीं होगी। ओके दो मिनट में। नींद आ रही तुम्हें? वेक अप।
सोना मत, ठीक है? अलर्ट रहना। सोना मत खनक, मैं दो मिनट में आ रहा हूँ। ऐसे क्या है? नींद तो नहीं आ रही ना? दो मिनट, दो मिनट। खनक खनक गोवा बेड हनीमून खनक हम दोनों जब साथ में रह रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहो करो, ओके? ओके। हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं। राइट। मैं गर्लफ्रेंड हूँ तुम्हारी। यस। बीवी नहीं। तो आज से ना तुम इस साइड रहोगे और मैं इस साइड। समझ गया जेनी, मैं उसी साइड रहूंगा, ओके? लेकिन मेरी बात तो सुनो। मेरी बात सुनो। तुम सुनो। जेनी, पिछले एक घंटे से तुम मुझे यही समझाने की कोशिश कर रही हो, मैं समझ चुका हूँ। अब मैं ओके, आई लव यू जेनी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार में लोग सिर्फ मीठी मीठी बातें और एक दूसरे के करीब आने की कोशिश नहीं करते। तो ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ जाओ, अपनी साइड जाओ। देखो मैं वो कह रहा था कि जाओ, मैं कह रही हूँ जाओ। ओके गो। एक बार ध्यान से सुनो। हाँ। अब जब हम साथ में रह रहे हैं ना, तो तुम्हें घर के सारे काम करने पड़ेंगे। करूंगा। जैसे इसके अलावा सुनो, इंस्ट्रक्शन नंबर 1, घर की सफाई करनी होगी, सारे बिल्स भरने होंगे, सारा काम आधा आधा, ओके? ओके। पर जेनी, ये सब तब तक जब तक भाई वापस नहीं आ जाते, वो कब आएंगे? भाई अब कुछ दिनों तक वापस नहीं आएंगे, तुम तो जानते हो ना पुलिस का प्रेशर कितना बढ़ गया है, इसलिए भाई अंडरग्राउंड होगा। जेनी। क्या जाओ, क्या करो तुम, घर का काम करो, स्टार्ट द वर्क। अच्छा जेनी, मैं ये कह रहा था। क्या क्या कर रहे? जेनी आई थिंक मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ओह माय गॉड, तुम्हें अभी मुझसे प्यार हुआ है? नहीं नहीं नहीं। तो तुम अभी तक क्या मेरे साथ नाटक कर रहे थे? नहीं। हटो राहुल, हट जाओ, जाने दो मुझे। अजीब बात है यार, जब देखो मेरा रोमांस ट्रेजेडी में बदल जाता है। स्ट्रेंज। ये लीजिए आपकी ताजमहल की चाबी और ये आपके पैसे। थैंक यू सो मच। अब फटाफट नॉर्थ गोवा के लिए एक टैक्सी बुक कर दीजिए। सॉरी, अपन के पास एक टैक्सी और आई एम श्योर वो हनीमून कपल ने बुक की होगी, है ना? स्मार्ट बॉय। अगर हनीमून कपल का मिल गया ना मुझे, मैं इनको इतना। शांतनु, शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। आपके पास दूसरी टैक्सी है? शाम तक कोई टैक्सी नहीं है। अगर आपको नॉर्थ गोवा जाना है तो आगे बस स्टेशन है, वहाँ से बस मिल जाएगी। और बस स्टेशन तक हमें चल के जाना पड़ेगा। वेरी वेरी स्मार्ट बॉय, वेरी स्मार्ट। चले। थैंक यू। बाय।
Enjoy. What a cute couple. What a cute couple. बाबा बाबा जी बाबा ओ, मैं तो सैड मूड में आया हूँ, तो लुक भी वैसा ही होना चाहिए। आगे के दो बाल गिरा लेता हूँ। बाबा कौन हो तुम? मैं कहता हूँ कौन हो? बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा मैं डक डक मतलब बत्तख, लेकिन तू तो इंसानों जैसा दिखता है। नहीं नहीं बाबा, मैं तो इंसान ही हूँ। वो क्या है ना, वैसे तो मेरा नाम दक्षिण है, लेकिन प्यार से लोग मुझे डक बुलाते हैं। सत्यानाश, सत्यानाश हो जा तेरा। ऐसा मनहूस नाम इंडिया पाकिस्तान मैच में दूर दूर तक मत दिखा देना। मनहूसियत फैलाओगे, लोगों को टेस्ट पे आउट कराओगे। यानी जीरो पे? नहीं नहीं बाबा, मैं तो चाहता हूँ कि हमारी पूरी टीम सेंचुरीज मारे। आप कहेंगे तो मैं उसके लिए भी पूजा करा लूंगा, लेकिन फिलहाल प्रॉब्लम मेरा है। ठीक है, बताओ क्या प्रॉब्लम है? बाबा, लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि मैं बड़ा ही शैटर्ड फील करता हूँ। हमारी हर मुसीबत का इलाज एक बाउंड्री। लोग क्या चाहिए, चौका या छक्का? बाबा जी, ये कोई नया पैकेज है? तुझे सिर्फ चुनना है, तुम्हें कौन सी खुशी चाहिए? अच्छा, ऑब्वियसली बाबा, खुशी तो सबसे ज्यादा चाहिए, इसलिए छक्का। ठीक है, इधर आ, इधर आ। आंख बंद कर और सचिन को याद कर। मैं ले लूं? नहीं नहीं, ठीक है। शांतनु, मुझे इस तरह आपका हाथ पकड़कर चलना बड़ा अच्छा लगता है। मुंबई में तो हम हमेशा गाड़ी में, टैक्सी में घूमते हैं, और ये सब कितना अच्छा लग रहा है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब टैक्सी खराब हो गई और हम 200 किलोमीटर चले, पूरी रात मच्छरों में हनीमून बिताया, यही ना? तनी ऐसा मौका फिर मिलेगा भी या नहीं? जब तक मैं अपनी बाइकों के साथ हूँ, मैं तो चलते चलते भी हनीमून मना लूंगा। कितना स्वीट कपिल है, बिल्कुल आपुल के जैसा। स्मार्ट बॉय। मेरी लाइफ में पहले से इतनी तकलीफ थी, आपने तो मुझे कहीं पे सचन तू तशरीफ रखने लायक नहीं छोड़ा। तूने ही तो छक्का मांगा था। वाह वाह वाह, अगर ऐसा ही छक्का देने वाले थे तो पहले बता देते, मैं सिंगल सी ले लेता। ये यहाँ का उसूल है। अच्छा, अब बता शुरू से तेरी तकलीफ क्या है। तकलीफ बाबा, तकलीफ तो ऐसी है कि मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं तकलीफ बन गई है। जिस लड़की को भी पटाने जाता हूँ वो किसी और की हो जाती है। बाबा, मैं हमेशा अकेला ही रह जाता हूँ। ले बैठ, पकड़, स्ट्रेट ड्राइव लगा, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, फुल शॉट, गुड। बॉलिंग करनी आती है? हाँ हाँ बाबा, मीडियम पेसर, इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग, सब कुछ कर लेता हूँ। चल बॉलिंग कर, बॉलिंग कर। मिल गया, तेरी हर मुसीबत का इलाज मिल गया। क्या बाबा, सच्ची? वाओ, क्या है? तुझे पता है बेटा, तुम पुरुष नहीं हो। ना? पूरी बात सुन, तुम पुरुष नहीं हो, महापुरुष, मसीहा हो। लड़कियों का कल्याण करने के लिए जन्म लिया है तुमने बेटा। जो भी लड़की तुम्हारे साथ रहेगी अति प्रसन्न रहेगी, और जिस लड़की को भी तुमने बोल दिया मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसको सच्चा प्यार मिल जाएगा। वो लड़की
तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी और पूरी जिंदगी बहुत 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 खुश रहेगी। क्या इसका मतलब है बाबा मैं पूरी जिंदगी कवारा ही रह जाऊंगा? क्योंकि जिस लड़की से भी मैं प्यार करता हूँ, अगर मैंने उसे बोल दिया कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो वो किसी और की हो जाएगी। हा? हाँ बेटा, तुम्हारे रिश्ते तो बन सकते हैं लेकिन जुड़ नहीं सकते। तुम्हें ओवर तो मिलेगा लेकिन तुम विकेट नहीं ले पाओगे। बैटिंग तुम्हें मिलेगी लेकिन रन नहीं बना पाओगे। किलिंग बोल्ड। सुनील, सुनील। क्या माधी, तुम ठीक तो हो? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? कमाल है, तुमने आज तक अपने सपनों में बुरा क्या देखा है? या तो तुमने अपने आप को अगली देखा है या बूढ़ी देखा है? इसके अलावा तुमने और कोई बुरे सपने देखे आज तक? नहीं सुनील, ये बहुत ही डरावना सपना था। ऐसे लगा जैसे कि मेरा कोई अपना मुसीबत में है। देखो, मैं तुम्हारे पास हूँ तो मैं खुश हूँ, और खुशबू सोई हुई यानी अक्षय भी खुश है, और शान और खनक तो हनीमून पे है, सब खुश है, अपना कौन मुसीबत में है? सुनील, मैं शान से बात करना चाहती हूँ।